नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकलास्ट में। मैं हूँ किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लेके आते हैं आपके लिए स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ब्रह्मोस को लेकर। जी हाँ, भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भेज सकता है। भारत और रूस संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की बिक्री के लिए भारत वियतनाम सरकार के बाद अब इंडोनेशिया को भी इस मिसाइल को बेच सकता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना 2005 से इस मिसाइल को अपने अग्रिम पंक्ति के युद्ध पोतों में शामिल किया था। भारत इंडोनेशिया के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचने की संभावनाएं तलाश रहा है। इंडो रशियन संयुक्त उद्यम की एक टीम पिछले साल इंडोनेशिया में उनके युद्धपोतों पर मिसाइल फिटिंग के आकलन करने के लिए गई थी। सुरबाया में एक राज्य द्वारा संचालित शिपयार्ड का उन्होंने दौरा किया था। ब्रह्मोस के अलावा भारत इंडोनेशिया को तटीय रक्षा रडार और समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति और द्विपक्षीय रक्षा और सैन्य सहयोग को गहरा करने के प्रयासों के तहत इंडोनेशिया की वायुसेना को रूस द्वारा निर्मित SU-30 लड़ाकू जेट विमानों की सेवा देने की भी पेशकश कर रहा है। हालांकि भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस की बिक्री पर एक अंतिम समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। इंडो रशियन कंपनी की एक टीम की यात्रा पिछले साल के अंत में इंडो डिफेंस 2018 एक्सपो के मौके पर PTPAV शिपयार्ड का भ्रमण उन्होंने किया था। दोस्तों, हथियार प्रणाली को किसी विदेशी देश को बेचने के प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडी के निदेशक उदय भास्कर ने कहा है कि अगर भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है तो ये महत्वपूर्ण है। क्या क्रूज मिसाइल प्रौद्योगिकी की विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की सैन्य प्रोफाइल की प्रासंगिकता को बढ़ाता है? तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं कि अगर भारत इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस की बिक्री करता है तो इससे जो भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत रशिया की जो टेक्नोलॉजी है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ये एक उसके लिए बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। दोस्तों, जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है सोवर्ड फिश रडार को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आने वाले हवाई हमलों से बचाव के लिए किसी भी देश की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की शक्तिशाली मिसाइलों के एक विस्तृत श्रृंखला को वापस वार करने की। जी हाँ, वायु रक्षा प्रणाली जटिल है क्योंकि अंतरिक्ष से या फिर बाहर से किसी भी तरह से कोई बॉर्डर, यानी कि जैसे तार फेंसिंग होती है बॉर्डर में, इस तरीके से आसमान में किसी भी तरीके की फेंसिंग नहीं लगाई जा सकती है। ऐसे में हमारा एयर डिफेंस काफी मजबूत होना चाहिए। सैन्य तकनीक में पिछले कुछ महीनों में काफी तरक्की हुई है। कोई रक्षा प्रणाली यह दावा तो नहीं करती है कि आने वाले हवाई हमलों के सभी रूपों के खिलाफ 100% व शॉर्ट शॉट रक्षा प्रदान करे, लेकिन इसी कारण से वायु रक्षा प्रणाली को अधिक से अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। भारत पहले से ही 2-स्तरीय ब्लास्टिक मिसाइल रक्षा यानी BMD कार्यक्रम पर काम कर रहा है और आकाश मिसाइल इसका एक उदाहरण भी है। दोस्तों, रूस से S-400 रक्षा प्रणाली की खरीद न केवल भारत में आने वाले हवाई हमलों जैसे कि क्रूज मिसाइल्स, UAV, हेलीकॉप्टर्स आदि के हमलों को तो विफल करने में मदद करेगी, बल्कि यह भारत के रक्षा तंत्र के साथ एक मजबूत गठबंधन करके बहुस्तरीय रक्षा की अनुमति देगी। वायु रक्षा लड़ाई का मैकेनिज्म आंखों या सेंसर से शुरू होता है, इसीलिए DRDO द्वारा विकसित स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार भारत की वायु रक्षा प्रणाली का एक प्रमुख तत्व है। भारतीय बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे अधिक रडारों के विपरीत स्वॉर्डफिश हवाई रक्षा प्रणाली अन्य घटकों के साथ मिलकर प्रभावी रूप से इनबॉर्न ब्लास्टिक मिसाइल खतरों का सफलतापूर्वक ट्रैक करने और उसको रोकने में सक्षम है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वॉर्डफिश इसराइल की ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज रडार का एक स्वीकृत रूप है, जिसे इसराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है। हालांकि स्वॉर्डफिश इसराइली प्रणाली से बहुत ही ज्यादा चेंज है और उससे ज्यादा प्रभावी भी है। यह भारतीय ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर और बिजली आपूर्ति रोजगार देती है और इसराइल की ग्रीन पाइन प्रणाली की तुलना में ये अधिक घातक और शक्तिशाली है और भारत की BMD जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे विकसित किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है चीन की तरफ से। चीन ने अपने स्टिल्थ स्पाई ड्रोन का पहला फुटेज जारी किया है। मानव रहित ये युद्धक विमान सी स्काई हॉक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जो कि रडार में अदृश्य हो सकता है। जी हाँ, और ये 24,600 फीट तक पहुँच सकता है और 9,800 फीट की ऊंचाई से कार की नंबर प्लेट की साफ तस्वीरें लेने में भी सक्षम है। स्टार शैडो, शार्प सॉर्ड और CH-805 के बाद चीन का ये चौथा स्टील ड्रोन है। चीन ने अपने स्पाई ड्रोन को बिना ईंधन भरे 40 घंटों तक उड़ाया। इस दौरान ये रडार में भी नहीं पकड़ा जा सका। ये मानव रहित UAV बीजिंग का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है और पहली बार चीन ने इसका फुटेज जारी किया। दोस्तों, भारत को भी चीन से सबक लेने की जरूरत है और इस तरीके की जो स्टिल्थ ड्रोन यानी कि UAVs है भारत को भी विकसित करने चाहिए ताकि समय समय पर इनका प्रयोग किया जा सके। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
दोस्तों यदि आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई सवाल है जरूर आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।